तो यार काफी ज्यादा दिन हो गए एक नया और अच्छा सा वीडियो लाए, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा ही सही लेकिन एक वीडियो तो बना दिया जाए, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे कमेंट्स देख के मैं और रह नहीं पाता। इसलिए चलो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यार हमको बेबलेट की ओरिजिनल सीरीज में जितने भी टाइप के हमको ड्रैगन बिटबीस्ट देखने को मिले हैं, वो इस नेचर के कौन से एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि आपने बहुत सारे ऐसे पोकेमोन तो देखे ही होंगे। कुछ पोकेमोन वाटर टाइप होते हैं, कुछ पोकेमोन फायर टाइप होते हैं, कुछ पोकेमोन ग्रास टाइप होते हैं, तो कुछ पोकेमोन आइस टाइप होते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि रॉक टाइप भी होते हैं, अलोखा और बहुत सारे। ठीक वैसे ही बेबलेट ओरिजिनल सीरीज में हमको जितने भी सारे ड्रैगन टाइप बिटबीस्ट देखने को मिले हैं, वो कौन से एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यार इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही है, लग ही रहा होगा कि यार इतने दिनों बाद एक ढंग का वीडियो आ रहा है, ये तो आपको देखना ही होगा, अगर अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन फिर भी आपको पिछले साल वाला नॉस्टैल्जिक फीलिंग तो मुझे देना ही पड़ेगा इस वीडियो। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली चौथे नंबर पे आता है हमारा साइबर ड्रैगन, जो कि काफी हद तक एक रोबोट जैसा दिखता है। और साइबर बिटबीस्ट का एक खासियत होता है कि जितना ज्यादा ये लड़ते जाएंगे उतने ज्यादा ही ये और भी ताकतवर बनते जाएंगे और साइज में भी बहुत बड़े बनते जाएंगे। जैसे कि आपने बेबलेड बीफोर्स के किन वर्सेस टाइसन वाले मैच में देखा ही होगा। वैसे इस बिटबीस्ट को किस टाइप के कैटेगरी में रखना है ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी सोचा है इसके लिए तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिसका कमेंट सबसे ज्यादा जस्टिफाइंग होगा मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट को मेंशन भी जरूर करूंगा। तो तीसरे नंबर पे जो ड्रैगन आता है उसका नाम है स्ट्रेटा ड्रैगन। ये हमको पहली बार बेबलेट की मूवी में, उसके बाद बेबलेट की थर्ड सीजन बेबलेट जी रेवोल्यूशन में भी देखने को मिला था। ये एक गोल्डन कलर का ड्रैगन है जो कि नॉर्मल ड्रैगन से काफी ज्यादा और थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि इसके पास अपने पंख भी हैं। बेबलेट जी रेवोल्यूशन के सीरीज में ये अपने स्पेशल मूव की मदद से बड़े बड़े पत्थर और स्टेडियम्स को काटते हुए हमको दिखाया गया है। इस बिटबीस्ट को किसी टाइप में रखना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढ के मैंने इसको रॉक टाइप बिटबीस्ट में रखा है। तो क्या मैं इसमें गलत हूँ? क्या इससे भी ज्यादा अच्छा किसी टाइप में आप इस बिटबीस्ट को रख सकते हैं? तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यार दूसरे नंबर पे आता है डार्क ड्रैगन, जिसको हमने बेबलेट ओरिजिनल सीरीज के मूवी में देखा था। क्योंकि ये एक शॉर्ट मूवी थी इसलिए हमें डार्क ड्रैगन की ज्यादा काबिलियत तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हमको मूवी से जितना इन्फॉर्मेशन मिला है कि डार्क ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन का ही एक ऑपोजिट वर्सन है, या फिर कह सकते हैं एक जुड़वा भाई की तरह है, लेकिन डार्कर साइड में। तो इसलिए हम इसको भी विंड टाइप में रख सकते हैं। वैसे हमने डार्क ड्रैगन को विंड टाइप अटैक्स तो करते हुए मूवी में नहीं देखा है, लेकिन अगर इसको और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो शायद हमको देखने को मिल भी जाता। तो यार सबसे पहले आता है हमारा सबका चहेता ड्रैगन। बेबलेड ओरिजिनल के सीजन 2 में हमको बताया गया था कि ड्रैगन जो बिटबीस्ट है वो चार पवित्र बिटबीस्ट में से सबसे ताकतवर बिटबीस्ट है। इसके साथ साथ ओजुमा ने ये भी कहा था कि ये एक लकड़ी का नीला ड्रैगन है। अब आप सोचने लगे होंगे लकड़ी का, तो जी हाँ गाइस, अगर आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो आप वापस वो एपिसोड्स देख सकते हैं। वैसे ड्रैगन को हम विंड टाइप में डाल सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन का काबिलियत ये है कि वो विंड को कंट्रोल करके बड़े बड़े टॉर्नेडोज क्रिएट कर सकता है, जो कि वो अपने स्पेशल मूव्स में यूज भी करता है। तो यार बहुत दिनों बाद एक ऐसा ढंग का वीडियो बना पाया हूँ। मुझे पता है कि ये काफी सिंपल वीडियो है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं होप करता हूँ कि मैं आपको पिछले साल जैसा ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे पाया हूँ, और अगर मैं दे पाया हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम 30,000 सब्सक्राइबर्स तक बहुत ही जल्दी पहुंचना है। तो इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। और यार नेक्स्ट वीडियो होगा बेबलेट मेटल सीरीज के ड्रैगन टाइप स्पिरिट्स पे, तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन एंड गुड बाय।